वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। रीड कर। डेन एंड केन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज द रेशियो क्या बोला है? 6:4। मतलब ये और कट डाउन हो सकता है? हाँ। कट हो सकता है ना? कितना? तो रेशो क्या हो गया? 3:2। इसका टोटल मतलब 5। डिवाइड बाय 5 इनटू 3 इनटू 2। एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक ₹3,60,000। 3,60,000। हाँ। बहुत बड़ा क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। दूसरा इफेक्ट असेट में क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000 एंड सैलरीज ₹2,000। ओके, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब पहला इफेक्ट प्लस टू वेजेस। 12 बैलेंस में वेजेस कितने हैं? 10,000। ओके, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। तो 13,000 आ गया। टू सैलरी, सैलरी कितना है? 50,000। प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000। तो आउटर में कितना आ गया? 52,000 आ गया। ओके, इतना समझा। इसका सेकेंड इफेक्ट पे करना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्या क्या है? वेजेस है एंड सैलरी। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,000 और सैलरी 2,000। टोटल कितना हो गया? 5,000। इतना क्लियर है। आगे डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल ₹5% पर एनम। 5% पर एनम। मोटर व्हीकल कितना अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में? 3,70,000। 3,70,000 लेस डेप्रिशिएट एट द रेट 5%। निकालो 5% कितना आता है? 18,500। माइनस करने के बाद 3,51,500। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी ऑन 5%। हाँ, ये तो लास्ट रहता है। केन विड्रेव गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग हो गया। तो ड्रॉइंग मतलब इधर टू ड्रॉइंग। इसने लिया कितना? 6,000 केन। हाँ, 6,000 इसने लेके गया। इसने गुड्स लेके गया, मेरे हाथ से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है। बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय गुड्स विड्रॉन 6,000। ओके, नेक्स्ट। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ 5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% सन्डे डेटर्स। डेटर्स के ऊपर निकालना है। डेटर्स का अमाउंट कितना है? 4,50,000। 4,50,000। ओके, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स मतलब पहला माइनस बैड डेब्ट्स कितना? 5,000। 5,000 माइनस करने का क्या अमाउंट आएगा? 4,45,000 लेस आरडीडी। आरडीडी कितना है? 5% एट द रेट 5%। 5% कितना था इसका? कितना है? 22,250 माइनस करके 4,22,750 दोनों का सेकेंड इफेक्ट लॉस है उसके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में टू बैड डेब्ट्स।
ट्रायल बैलेंस में कुछ बैड डेब्ट्स है क्या? कितना? 3350 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स कितना है? 5000 का न्यू बैड डेब्ट्स है प्लस आरडीडी कितना है? 22250 सबको प्लस किया तो कितना आएगा? 6 0 3 0 3 30,600 क्या? ओके नेक्स्ट इंटरनल एडजस्टमेंट हाँ एडजस्टमेंट कहते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है? रेंट फॉर 10 मंथ्स रेंट फॉर 10 मंथ्स रेंट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 रेंट कितना अमाउंट है? 10,000 मंथ्स के लिए है मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का पे करना बाकी है मेरा तो प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 आउटस्टैंडिंग आएगा आउटर में 12,000 आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 2,000 कैसा मिला समझ में आया 10,000 दस महीने के लिए बराबर तो 2 महीने के लिए कितना 2,000 समझा ओके पोस्टिंग खत्म हो गया कैपिटल नेम का कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉटडाउन कितना 15 लाख 10 लाख सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक कितना 5,35,500 नेक्स्ट प्रीमाइसेस असेट है मेरा बेचा तो पैसा मिलेगा प्रीमाइसेस कितना 8,50,000 नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट में कि क्रेडिट में दोनों में है तो डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में 2 डिस्काउंट डेबिट का कितना 800 क्रेडिट का डिस्काउंट बाय डिस्काउंट कितना 950 नेक्स्ट सेल्स यहाँ पे आएगा बाय सेल्स कितना 8,40,500 नेक्स्ट परचेस टू परचेस कितना 6,40,500 नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंस कितना 20,000 नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन है पे करना बाकी है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 1,50,000 नेक्स्ट रिटर्न्स डेबिट का रिटर्न है कि क्रेडिट का रिटर्न दोनों है डेबिट का रिटर्न मतलब काफ भी जाएगा सेल्स से माइनस रिटर्न 5,500 तो माइनस किया तो कितना आया 8,35,000 क्या हाँ ओके नेक्स्ट इधर का रिटर्न माइनस रिटर्न क्रेडिट में कितना रिटर्न है 3,500 मतलब 4,37,000 ना बराबर फोर कैसा 6 लाख है बराबर बोलते हैं आपने क्या तो राइट किया ऐसा तो क्या होता है ओके नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में ही होगा डेबिट में होगा तो एसेट में क्या बोला 8 लाख पीएफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट कैश इन हैंड कितना 40,000 नेक्स्ट
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ओके नया वर्ड है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, क्या पे आएगा? यदि इन्वेस्टमेंट असेट, उसके पहले कौन सा, इसके पहले के समय क्या आया था? सिर्फ पीएफ आया था, वो कहाँ पे गया? लाइब्रेरी डेबिट में। हाँ, जब ये कंट्रीब्यूशन आएगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मेरे हाथ से पैसा गया ना, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे हाथ से पैसा गया। ओके तो टू पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना? 2,80,000। 2,80,000। 80। हाँ ओके नेक्स्ट। कैश एट बैंक असेट है, कैश एट बैंक कितना? 2,00,000। 2,00,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ आया क्या अब तक? पीएफ कितना है लिखा ना आपने असेट में? हाँ ये इन पीएफ इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ पीएफ कितना है? पीएफ 2,80,000। वो पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया ना 2,80,000। हाँ सिर्फ प्रोविडेंट फंड दिया है कि क्वेश्चन में कितना है? 2,00,000। सेम है। ओके तो पीएफ क्रेडिट साइड में दिया सर, वो वाला 1,00,000 है। कौन सा वाला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 1,00,000 है, ऊपर नीचे है ना दोनों साथ में। अच्छा 1,00,000 है और सिर्फ वो 2,80,000। ये 2,80,000 है, ठीक है। ओके तो जो पीएफ इन्वेस्टमेंट है ना वो इसमें प्लस कर देने का, सॉरी इंटरेस्ट प्लस पीएफ इंटरेस्ट कितना? 42,000। तो कितना हो गया? 3,22,000। समझा? चार चीज आया पीएफ से रिलेटेड, पीएफ इन्वेस्टमेंट असेट कंट्रीब्यूशन दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ पीएफ दिखा, कहाँ पे? लायबिलिटी। और जब इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में तो कहाँ पे? लायबिलिटी का जो पीएफ है ना उसमें प्लस। समझा? कोई डाउट है? क्लियर? ओके ड्रॉइंग कुछ पूछना है इसमें से? कुछ पूछना है चारों में से? तो पीएफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में प्लस हो रहा है ना, पीएफ किधर है? क्रेडिट साइड में ना, पीएफ और ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ किधर है? क्रेडिट साइड। हाँ तो उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं कर सकता, वो डेबिट साइड है। हाँ पहला पीएफ मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड, जो कि अभी कोई एम्प्लॉई छोड़ के जा रहा है, खत्म हो गया उसका रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो थोड़ा अमाउंट मेरे को उसको देना पड़ता है। ऐसा कंपनी, उसने पूरे कंपनी साल भर या 5 साल 10 साल जो कंपनी को सर्विस दिया है उसके बदले में मैं थोड़ा अमाउंट उसको दे देगा। ओके उसके लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं पैसा डाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मेरा भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस से मेरे लिए। ओके वो पैसा सबने जो कंट्रीब्यूट किया वो पैसा मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न कंपनी से पैसा ले सकता हूँ, असेट है। ओके और मेरे पास जो पैसा रहेगा, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल 10,00,000 कंट्रीब्यूशन आया है, बराबर 7,00,000 मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके 3,00,000 मेरे पास है, वो मेरा पैसा है क्या? मैं यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो मेरे को किसी को तो देना है ना, उसके लिए वो लायबिलिटी में आया पीएफ। ओके और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है, बराबर यहाँ रिलेशन इसके साथ दिख रहा है, बराबर मैंने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो मुझे इंटरेस्ट दे रहे, मेरे लिए इनकम है, लेकिन वो पैसा मैं यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे तो देना है ना, जो छोड़ के जा रहा है उसको देना है ना, जो रिटायर हो रहा है उसको देना है ना, देना है ना, उसके लिए लायबिलिटी, उसके लिए इसके अंदर ऐड, वो मेरा पैसा नहीं है। समझा? ओके नेक्स्ट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग नेम का 20,000। 20,000। 15,000। 15,000। नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में बाय आरडीडी, क्रेडिट साइड में ना? हाँ। कितना? 3,700। नेक्स्ट हो गया, क्लोज करते थ्री लाख क्लोज कर।
12 लाख पक्का? To gross profit 15,500 एक सेकंड ना, कितना? 15,500 डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,500 उस साइड का बड़ा, ये साइड बड़ा है। देखो ये साइड फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये साइड बड़ा है, बराबर है क्या? इधर आएगा अभी बाय नेट लॉस, अब तक क्या आ रहा था? नेट प्रॉफिट आ रहा था, अभी क्या आएगा? नेट लॉस आया इसमें 2,13,750 ओके। अभी ये 2,13,750 कौन सा रेशियो से जाएगा? ऐसा मतलब 2,13,750 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 3 इनटू 2 1,28,250 और इसका 85,500 तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1,28,250, 85,500 कहाँ पे है? क्रेडिट में है। कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। टू नेट लॉस कितना? 1,28,250 and 85,500 कौन सा साइड बड़ा है? ये साइड बड़ा है 15 लाख 10 लाख 15 लाख 10 लाख माइनस किया तो टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना? 1,750 ये 1 लाख है और ये 15 लाख है। माइनस में जाएगा, जीरो बराबर डाला है ना? कितने जीरो पॉइंट? 6 0 6 8,93,500 ये नीचे आएगा 8,93,500 दोनों को प्लस करो 13,51 है ना? हाँ 13,51,750 प्लस 8,93,500 45,250 प्लस करो, एक जन ये सेट करो, एक जन ये सेट।
समझ में आया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके याद रहेगा, पीएफ ध्यान में रखना, चार पीएफ किधर किधर आता है वो याद रखना, उसके अलावा सम नॉर्मली सब सेम चल रहा है, सिर्फ ये एक सम है जो कि नेट लॉस आया। कई लोग का डाउट रहता है सर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है फिर नेट लॉस आ रहा है, ऐसा चलता है क्या? हाँ चलता है, समझा? तो उसका कोई टेंशन मत लो, कैसा चल रहा है वैसा चल रहे, क्लियर है?